आप इतने दिन से बाहर थे क्या? हाँ, मैं जरा बाहर गया। Excuse me, आपने कार्तिक को देखा? नहीं, नहीं, नहीं देखा। आपको कार्तिक दिखा? नहीं देखा। मर गया, कहाँ गया होगा? कहाँ ढूंढू, कहाँ ढूंढू, कहाँ ढूंढू, कहाँ ढूंढू, कहाँ ढूंढू। कार्तिक दिखा क्या? नहीं तो? कार्तिक के नाम की माला क्यों जप रहे हो? अरे क्या बताऊँ, दो घंटे बाद शादी है लेकिन अब तक उसने क्लैरिटी नहीं दी मुझे। तुम्हारे कान के नीचे घंटा बजाओ क्या? वो क्या नारियल पानी है जिसे कांच के ग्लास में डाल के क्लैरिटी मिलेगी? इतनी बार तुम्हारे दिमाग में बात घुसाने के बाद भी चोंच मारते फिरते हो। झापड़ से पापड़ बना दूंगा। आज मेरे दिमाग का फ्यूज ऐसा उड़ा है कि कहीं मेरे हाथों आपके तोते ना उड़ जाए। शाबाश शाबाश, यही आग लेके भाग। रात भर जाग, तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूं, ढूंढते हैं उसे। अकल से पैदल मैंने क्या कहा था तुझे? तू उस तरफ जा, तो फिर इस तरफ क्यों आ रहा है? ओके सर। मेरे अंदर आग है लेकिन एक बीड़ी भी नहीं जला सकता। फोकस कर, फोकस, चल जा। तेरी तो मैं शरीर से बड़ा है लेकिन दिमाग से छोटा। क्या हुआ बॉस, बहुत रिलैक्स लग रहा है। रिलैक्स? इतनी टेंशन में मैं तुम्हें रिलैक्स लग रहा हूँ? टेंशन किस बात की? क्या बताओ बॉस, पहले मुझे हल्दी लगाई, चंदन लगाया और फिर रगड़ रगड़ के छुड़ा दिया। नहा भी नहीं पाया था कि एक बूढ़ी मेरे पीछे तेल लगे भागने लग गई। शादी तुम्हारी बकरा मैं बन रहा हूँ। वैसे आज तो मेरा पासपोर्ट देने वाले थे। चीज की जल्दबाजी रहती है, ये ले। लेकिन एक शर्त है। वो क्या है? मेरे हनीमून के सारे अरेंजमेंट्स तुम्हें करने होंगे। ओके सर, मैं सब कुछ कर दूंगा, मेरा पासपोर्ट तो दे दो। ये ले। चला गया, इतनी जल्दी में क्यों रहता है? तुम दोनों जाके पल्लवी को लेकर आओ, मैं तब तक। गणेश कहीं चला गया है। कहाँ जाएगा दादी? यहीं कहीं पर होगा, वो मिल नहीं रहा है। मैं भी आई। क्या हुआ दादी, कुछ खो गया है क्या? नहीं कुछ नहीं खोया, तुम जाओ अपना काम करो। क्या बात है, बताओ मैं मदद कर देता हूँ। मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं लेना चाहती। ओके। बड़ा आया। ये वाले मुरझा गए हैं। बेटा नंदिनी, नहीं कराओ, ये अच्छे नहीं लगे। सुनो, हा? वो कहीं नहीं मिला। पर गया कहाँ? पता नहीं। सुनो, आ, 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 आ। तुम यहाँ मजे से मिठाई खा रहे हो। अरे तो खुशी के मौके पर तीखा खाओ। पता है गणेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्या बात कर रही हो, यही कहीं होगा। मुझे भी यही लगा था, सब जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिला। प्लीज पुलिस स्टेशन फोन करके उसे ढूंढने के लिए कहिए ना। तुम्हें क्या लगता है मेरा पुलिस डिपार्टमेंट जादूगर है जो गायब लोगों को वापस ले आएगा? ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर शादी कैंसिल हो गई तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। भैया पंडित जी आ गए, मैंने इंग्लिश बोलने वाले पंडित जी बुलाए हैं। दूल्हा अमेरिका का है ना, उसे भी तो मंत्र समझ में आने चाहिए। क्यों भाभी? हाँ। हेलो, नहीं नहीं, मर्सिडीज कार चाहिए उससे। देखो तो कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा, इसे पता ही नहीं कि शादी कैंसिल हो गई। मैं तो उसे देखते ही समझ गया था कि आदमी गड़बड़। तुमने कहा तुम्हारा बचपन का दोस्त, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। वैसे तुम तो उसकी बड़ी तारीफ कर रही थी, अमरीका 15 लाख इनकम। भैया छोड़ो, रहने दो, इसे पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। ये बताओ, तब समझ में नहीं आया जब गणेश के पेरेंट्स ने शादी में आने से मना कर दिया था, लेकिन नहीं, तुमने तो डेटिंग के लिए भेज दिया, आउटिंग के लिए भेज दिया। इससे क्या होगा, अब क्या करोगे? भैया वो लड़का तो भाग गया। भाग गया? तुझे नहीं पता, दूल्हा भाग गया। भाग गया? अब मैं फूल वाले से क्या कहूंगा भैया, और इंग्लिश पंडित इंग्लिश में कितनी गालियां सुनाएगा। मेरी इंग्लिश थोड़ी कच्ची है इसलिए फर्क नहीं पड़ता है? पर उस बेचारी मासूम पल्लवी को जब पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी भैया। बताइए भाभी, बताइए, आपके खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं क्या करूँ, बताइए। इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही हल है, हमें पल्लवी की शादी करनी होगी, इसी मंडप में और इसी मुहूर्त में, पर किसी और लड़के के साथ, समझ गए? हेलो, तुम्हारा भाई कैसा रहेगा? वो बेचारा इस वक्त लड़का कहाँ ढूंढेगा? अरे मेरा मतलब वो नहीं था, अपने भाई से कहो मेरी बहन से शादी कर ले। मेरा भाई कार्तिक? सही कह रही हूँ जी, आप दोनों भाई हैं, हम दोनों बहनें हैं, सब साथ रहेंगे। एक बार सोच कर तो देखिए। उस तरफ दो दो बहनें, इस तरफ दो दो भाई, व्हाट एन आइडिया है ना। तू कार्तिक से बात करो। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा। ठीक है तो मैं करती हूँ, पर तू मुझे सपोर्ट करना। कार्तिक, अब आए ना बकरी पहाड़ के नीचे। अपना अपना हिसाब। हाँ भाभी, आप फिक्र मत कीजिए भाभी, आज नहीं तो कल मैं उस गणेश को जरूर ढूंढ लूंगा। उसे भूल जाओ, तुम हो ना कार्तिक। आप ये क्या कह रही हैं समझ में नहीं आ रहा। तुम हमेशा अपने भाई का कहना मानते हो ना, वो मेरी बात मानते हैं तो तुम मेरी बात मान लो, मेरी बहन पल्लवी से शादी कर लो कार्तिक। प्लीज तुम मना मत करना, हमारे खानदान की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। लेकिन भाभी। मान जा। भैया। ठीक है, जैसा आप चाहें। अब ये क्या चक्कर है दीदी, अब तक
आप मुझे उस अमेरिकन गणेश के गले बांध रही थी और अब इस यूजलेस से शादी करवा रही हैं। ये तू यूजलेस किसे कह रही है? जरा इसका भोला सा चेहरा तो देखो। अब तक हम इसे बेकार में ही गलत समझते रहे पल्लवी। पता है जब तेरे जीजाजी का एक्सीडेंट हुआ था तो कार्तिक ने मुझसे ज्यादा इनकी सेवा की। ये तुझे बहुत खुश रखेगा। ओके दीदी। बेटा मुझे दूल्हा कहीं नहीं मिला। यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं दादी, दूल्हा यहीं खड़ा है। ये है दूल्हा। दादा अगर आप इतने शांत रहेंगे तो हमारे धंधे का क्या होगा? समुद्र तब शांत होता है जब तूफान आने वाला होता है। अब तूफान आएगा और प्रलय मचा देगा। हमें पता चल गया कि बग्गा कहाँ छुपा है सर। आप कहें तो उसे अरेस्ट कर लें। वहां अकेले जाना ठीक नहीं होगा, मैं भी आ रहा हूं। इंस्पेक्टर, तू मुझे यहाँ अरेस्ट करने आया है? तेरे सारे आदमी खत्म हो गए हैं, तेरा सारा कारोबार बर्बाद हो गया है, अब सिर्फ तू जिंदा बचा है। तूने कभी सोचा भी था कि तू इस तरह पकड़ा जाएगा? मैं पकड़ा नहीं गया इंस्पेक्टर, तू पकड़ा गया है, क्योंकि ये प्लान तूने नहीं बनाया, मैंने बनाया। नहीं सर, ऐसा मत करना। दादा उस दिन आपके बारे में मैंने बहुत अनाप शनाप बोला तो इसे लगा कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन असली बात को समझ नहीं पाया। इस तरह के लोग डिपार्टमेंट में तो क्या, दुनिया में भी नहीं होने चाहिए। इसने 20 सड़क पर काशी भाई का इनकाउंटर किया था, अब इसका एनकाउंटर मैं करना चाहता हूं। चल भाग, चल जल्दी भाग कुत्ते। मेरे अंदर का कायर बहुत पहले मर चुका है शिवा, अब लड़ना जानता है भागना नहीं। तुझे गोली मारनी है तो यहां सीने पे मार, कम से कम मेरे भाई को मुझ पे फख्र तो होगा। ऐसे भाड़े के टट्टू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दम है तो तू आ। ए, तू मुझे गोली मारेगा, मारना। तुम सब पल्लवी के पास जाओ। अरे तुम्हारे भैया। ये लो, भैया को दे देना, ठीक है? इतनी रात को बिना बताए भैया कहाँ चले गए? भैया, भैया, भैया कहाँ है? मेरे पास आया था तेरी शादी का न्योता देने के लिए, अपना फोन यहाँ भूल के चला गया। तेरे पास भिजवा दूँ या तो खुद आके ले जाएगा? अगर भैया को कुछ हुआ। उस दिन ट्रेन लेट आई थी, तू करेक्ट टाइम पे पहुंचा था। आज मौत करेक्ट टाइम पे पहुंचेगी, तू कहीं लेट ना हो जाना। Thank you.
भैया कहाँ है? सॉरी यार, तेरे आने से पहले मौत आ गई। तेरे भैया इस दुनिया में नहीं। भैया कहाँ हैं? मैंने बता तो दिया, तुझे भी वहीं जाना है। भैया कहाँ हैं? ए, अभी तो बताया वो मर गया। तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों लगता है कि वो मरा नहीं? क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मेरे होते हुए भैया को कुछ नहीं होगा। ओहो, दोनों में एक ही खून और एक जैसी हिम्मत है। वैसे तुझे क्या लगता है, जब तक तू नहीं मरेगा तेरा भाई भी नहीं मरेगा? ठीक है, तेरी इच्छा पूरी कर देते। इस साले ने समुद्र के बादशाह बग्गा पर हाथ डालने की हिम्मत की है, इसे मेरे ही हाथों मरना होगा।